हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं देखिए कहाँ ले आई हूँ आप लोगों को। ये देखिए, आज हम लोग आए हैं वी-मार्ट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कल जो है हम लोगों को एक जगह जाना है, भैया के बच्चों का मुंडन है वहाँ पर। तो आज हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। तो देखिए, कपड़े हम लोगों ने ख़रीद लिए हैं बच्चों के लिए, और आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा ये वाला। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा आपको घुमाने वाली हूँ मैं भोपाल का जो है वी-मार्ट। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में और मेरे चैनल पर। अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आप लोगों को घुमाती हूँ मैं वी-मार्ट। यहाँ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा बच्चों के लिए। और ये देखिए, टीसू यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए बिस्किट खा रहे हैं, इनको भूख लग गई है। तो चलिए आपको घुमाती हूँ मैं, और आप लोग ये वीडियो मेरा पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं बच्चों के लिए खास करके। और यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे ड्रेसेस हैं, देखिए सर्दी का भी बहुत सारा माल आया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए ये वाला भी, टी शर्ट वगैरह बच्चों की बहुत अच्छी हैं, ये देखिए। तो चलिए आप लोगों को घुमाती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो देखिए, बच्चों के पार्टी वेयर ड्रेसेस भी बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पर। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे टंगी हुई हैं पार्टी वेयर ड्रेसेस। और इसी तरीके से सर्दी गर्मी, क्योंकि अभी जो है सर्दी जाने वाली है और गर्मी आने वाली है, तो वही सर्दी के जाते हुए कपड़े और गर्मी के आते हुए कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। बाय वन गेट वन सर्दी का बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो देखिए, होजरी का भी बहुत सारा यहाँ पर माल आया हुआ है, क्योंकि जो होजरी है गर्मियों में अब बच्चे लोगों के लिए बहुत कम्फर्टेबल होती है। तो हम लोग भी वो भैया के बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए ही आए हैं, और उनके कपड़े हम लोगों ने लगभग ले लिए हैं, बस बेटी के लिए बचे हुए हैं। तो वही हम लोग लेने के लिए आए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी घुमा दूं। और वी-मार्ट बहुत अच्छी जगह है, और ये देखिए, ये भोपाल का बहुत ही अच्छा मॉल है, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको ले आई हूँ बॉयज़ कलेक्शन में, और बॉयज़ कलेक्शन में भी बहुत अच्छा आया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जैकेट वगैरह, कोट पैंट सेट सब कुछ है, स्वेटर, और ये देखिए ऊनी स्वेटर भी हैं यहाँ पर, और गर्म वाले स्वेटर भी हैं, जैकेट भी हैं, और टी शर्ट्स भी आई हुई हैं, बाबा सूट्स भी हैं देखिए, और हाफ टी शर्ट भी हैं, बहुत सारा कुछ आया हुआ है। और किस किस को मेरा ये वीडियो पसंद आया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और घर पर बैठे बैठे देखिए, मैं आपको भोपाल घुमा रही हूँ। और देखिए, पर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, देखिए बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन है। और देखिए, हैंड पर्स में भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी, बहुत सारी डिज़ाइन है यहाँ पर। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ भोपाल का वी-मार्ट।
और देखिए पर्स की रेंज जो है 999 से शुरू है 999 रुपये से। और मतलब मैं ये कहूँगी कि ऑफिशियल वर्क वाले लेडी के लिए ये पर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये देखिए कई सारी डिज़ाइंस हैं अलग अलग, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। और भोपाल जब भी आइएगा तो यहाँ ज़रूर घूमिएगा। और जो लोग भोपाल के हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन शॉपिंग करने जाता है वहाँ पर। और मॉल में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें जो चीज़ पसंद आती है हम अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से, अपने जेब में जितने पैसे हैं उस हिसाब से अपना सामान चूज़ कर लेते हैं। और दुकान पर जाने के बाद हम लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि दुकानदार तो हमें हर रेंज की चीज़ दिखाता है। और कभी कभी आजकल तो बारगेनिंग ख़त्म ही हो गई है, जैसे कि जो रेट है वही रेट है, बट यहाँ पर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम पैसे का अगर ख़रीदना है तो कम पैसे का, ज़्यादा का ख़रीदना है तो ज़्यादा का, उस हिसाब से हम लोग ख़रीद लेते हैं आराम से। और बिना भीड़ भाड़ के और बिना टेंशन के बच्चे आराम से घूमते रहते हैं, तो इसलिए मॉल की शॉपिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए पर्स की क्वालिटी देखिए आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, पकड़ने में ही पता चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पर्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। देखिए हैंड पर्स सब कुछ है यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन का। तो चलिए आप लोगों को और ड्रेसेस में दिखाती हूँ। आपको ले आई हूँ क्रॉकरी और स्टील में टिफिन सेट्स, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और क्रॉकरी का बर्तन भी काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी यहाँ की काफ़ी अच्छी है। कई कई क्रॉकरी के बर्तन ऐसे होते हैं कि जो फाइबर वाली प्लेट्स आती हैं, डिनर सेट्स आते हैं, गरम खाना डाल दो तो येलो हो जाते हैं। कई उनकी जो है मतलब जो पॉलीथीन जैसा रैपर लगा होता है उनके ऊपर वो निकलने लगता है। और बच्चों का देखिए बाय वन गेट वन चल रहा है। और मैं तो अपने बच्चों को स्टील के प्लेट में ही खिलाती हूँ, बट थोड़े थोड़े और बड़े हो जाए तो मैं उनको पक्का ही वाली प्लेट दिलाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर बेबी बैठी हुई है, गैस का बर्नर चला रही हैं। और देखिए कई सारी बॉटल्स, डिनर सेट बहुत प्यारे प्यारे थे और बॉटल्स भी बहुत अच्छी अच्छी थी यहाँ पर। और काफ़ी 699 से 999 से 990 इस तरीके की थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है यहाँ की। मैं ये कहूँगी कि थोड़ा महंगा ज़रूर है बट घर में अगर अच्छी चीज़ जाए तो वो मतलब अच्छा रहता है कि एक बार ख़रीद लो अच्छी चीज़ तो काफ़ी दिन तक हम उसको यूज़ कर पाते हैं। और सस्ती चीज़ें हम ख़रीदते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखिए पूरा जो है किचन का सामान यहाँ पर है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ की आपको दिखाती हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर क्या लगी। और ये देखिए मसालादानी, जो हम लोग मसाले वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अलग अलग डब्बे से अच्छा है कि हम इस तरीके की मसालेदानी ख़रीद लें। और ये देखिए कटोरी वाली भी है ताकि जो है हम मसाले को एक ही डब्बे में बिना जगह को भरे हुए किचन में, और स्पेस कम मतलब स्पेस कम हो तो इस तरीके की चीज़ें रखना चाहिए। और ये देखिए डिनर सेट्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे। तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं घर, शॉपिंग हमारी हो गई है। तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और ये देखिए हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को मैं जो जो सामान खरीद के लाई हूँ जब जब पहनती जाऊँगी आप लोगों को बताती जाऊँगी, क्योंकि सेपरेट वीडियो बनाने में आप लोग बोर हो जाते हैं। और जो बच्चों के लिए लेके आई हूँ खास करके वो मैं आप लोगों को पक्का शेयर करूँगी अगले वीडियो में। ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा और घर जाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं होता है कुछ करने का।
ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिएगा मेरे चैनल पे, इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।